और आज दिल्ली वासियों के लिए बहुत ही खुशी का दिन है कि आज एक लंबे समय के बाद दिल्ली में अब बसें आने का सिलसिला चालू हो रहा है। जो भी कारण रहे, मुझे लगता है बीच में कुछ ग्रहण लग गया था दिल्ली में बसों के सिलसिले में, और आज 7-8 साल के बाद 1000 बसों का आगमन शुरू हुआ है। आज उसकी पहली खेप आई है 25 बसों की, और अगले 4-5 महीने के अंदर बाकी सभी 1000 बसें भी आ जाएंगी। जैसा भी कैलाश जी ने बताया कि काफ़ी सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा। पहले डिपो की जगह नहीं थी, बसें खड़ी करने के लिए जगह नहीं थी, उसका सफिशिएंट इंतजाम करना पड़ा। कोर्ट में केस चले गए, स्टे लग गया, उसको हटवाना पड़ा, और भी बहुत सारी लीगल एडमिनिस्ट्रेटिव अड़चनें आईं। उन सारी अड़चनों को दूर करके अंत में, अंग्रेजी में कहावत है ऑल इज़ वेल दैट एंड्स वेल, तो अब फाइनली बसें आ रही हैं। और जो कहते हैं कि जब ऊपर वाला देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, तो अगले 7-8 महीने में 3000 के करीब बसें आने वाली हैं। जो 7-8 साल का गैप था उसको एक साथ पूरा करेंगे। तो अभी लास्ट में इलेक्ट्रिक बसेस भी आएंगी, मेरे ख्याल से वो फरवरी से आनी चालू हो जाएंगी। और अभी सबसे पहले आज ये वाली बसें हैं, उसके बाद लो फ्लोर एसी बसेस आएंगी, और उसके बाद इलेक्ट्रिक बसेस आएंगी। तो इसमें सभी ऑफिसर्स ने, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के, डीटीसी के, डिम्स के, इन सब लोगों ने मिलकर बहुत मेहनत की है। उन सब लोगों को मैं बधाई देना चाहता हूँ, सभी बधाई के पात्र हैं, सभी कर्मचारी और सभी ऑफिसर्स, और ख़ास तौर से दिल्ली के लोगों को बधाई देना चाहता हूँ, क्योंकि बसेस हमारे पब्लिक ट्रांसपोर्ट का बहुत अहम हिस्सा हैं, और उसमें काफ़ी कमी हो गई थी 7-8 साल में बसें ना खरीद पाने की वजह से। अब एक साथ जब बसें आएंगी तो ये महिलाओं की सुरक्षा के लिए भी बेहतर है, ये ईज़ ऑफ कम्फर्टेबल भी हैं ये सारी बसें, इनके अंदर GPS लगे हैं, इनके अंदर पैनिक बटन लगे हैं, कैमरा, CCTV कैमरा लगे हैं, तो ये महिलाओं की सुरक्षा के लिए भी बहुत अच्छी हैं, और पर्यावरण भी काफ़ी इम्प्रूव होगा। जब एक साथ 2500-3000 बसें सड़क के ऊपर आएंगी, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि फिर लोगों को अपनी कार और स्कूटर निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो बसों का सहारा, बसों में ट्रैवल कर सकते हैं। तो मैं फिर से दिल्ली के लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, और आज का दिन हम सब लोगों के लिए बहुत ही खुशी का दिन है। थैंक यू हम सब के लिए। और मैं बस शॉर्ट में इतना ही कहूँगा कि आई वुड लाइक टू थैंक ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट, वेदर इट इज़ ट्रांसपोर्ट, वेदर इट इज़ डिम्स, जिन्होंने काफ़ी मेहनत करके, और जो दिल्ली में लगभग 7-8 साल से बसें जो हैं दिल्ली में नहीं आ पा रही थी, वो दिन, वो सपना आज हमारा पूरा हुआ। इसके लिए हर एक उस व्यक्ति को मैं बिल्कुल दिल से धन्यवाद करता हूँ, जो इस पूरी इस मुहिम में हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर हमारे साथ चले। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं स्पेशली रिक्वेस्ट करूँगा CM साहब से, लगभग 2.5 साल पहले जब परिवहन मंत्री जब मैं बना, तो वो चीज़ मेरे कान में आज भी गूंज रही है सर, कि आपने कहा था कि कैलाश बसें लेके आनी है। तो आई थैंक यू सो मच सर दैट यू रिपोज दैट ट्रस्ट एंड फेथ इन बसें लाने में। जो कठिनाई और जो डिफिकल्टीज हमने कभी सोची भी नहीं थी, उनका भी हमें सामना करना पड़ा। हमने कभी नहीं सोचा था कि हाई कोर्ट में कोई बसों के अगेंस्ट कोई PIL जाएगा। हमने कभी नहीं सोचा था कि सुप्रीम कोर्ट तक हमें लड़ाई लड़नी पड़ेगी। बट विद योर ब्लेसिंग्स, विद योर गाइडेंस, विद योर एडवाइस, हर कदम पे जो आपकी एडवाइस मिली, इट वॉज इनवैल्यूएबल, एंड आई थैंक यू सो मच सर। थोड़ा पीछे हो जाओ, माला हटा दो ना, अरे माला हटाना, माला तोड़ देना, अगर माला एक मिनट, 5 बसें बढ़ी है, 10 बसें क्यों?
क्या कर रहा है यार? चलो सब बस कर दो छोड़ जा बस बस मैं कर रहा हूं मैं पूछो नीचे कर यार पूछो ना अरे चलो यहां से आगे के लिए पता नहीं क्या कर रहा क्या ठीक है यार आप तो भाई साहब अरे भाई साहब आप सर आप हट जाओ मेरे मारो बस यही कर लिया सामने सामने से थोड़ा पीछे भाई साहब पीछे आ जाओ और भी लोग हैं भाई और भी लोग शोर लेने भैया भैया भैया